रायबरेली में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार धार्मिक मंदिरों के साथ साथ गांवों के विकास और सड़कों के सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए लगातार अपने मातहत अधिकारों को समय पर निर्देशित करते रहते हैं, वहीं रायबरेली के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आम समस्याओं को लेकर अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार ब्लॉक के कोटिया क्षेत्र का है, जहां एक गांव से दूसरे गांव के बीच संपर्क मार्ग को डामरीकृत कराने का है, जिसकी शिकायत दोनों गांव के प्रधान व जनता ने जिलाधिकारी को दी थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया कि यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों गांवों का संपर्क मार्ग सीधे गंगा माता के गोकना घाट पर जाकर मिलता है। इस समय सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु इसी रास्ते से कांवड़ जल भरकर गांव के मध्य स्थित भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाने जाते हैं, लेकिन इन सभी खामियों को दरकिनार कर जिला संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी रवैये के चलते लोगों की समस्याओं का निजात न करते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंडित अवधेश शर्मा है। पूरा गांव का नाम बताइए, क्या है नाम? पोस्ट कुटिया चित्र, पुलिस स्टेशन। क्या है रोड की समस्या है? रोड की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। ये जो मेन रोड है, बॉर्डर, ये काशीपुर संपर्क मार्ग से गंगा घाट के लिए, जो कि प्राचीन घाट का रास्ता है, और इसमें लगभग 25 वर्ष हो गए बॉर्डर पड़े हुए, और आज दिन तक किसी विभाग ने यहाँ पे आकर के PWD विभाग ने देखा भी नहीं है, और आपके समक्ष भी देख लो कितना रास्ता दुर्गम है। यहाँ पे तीर्थ स्नान करने वाले स्नार्थी, और ये आपको कई ग्राम सभाओं का आवागमन भी है इसी रास्ते से, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है लोग कभी इधर से कभी उधर से जाते हैं, कब तक आएंगे जाएंगे, बहुत बुरी समस्या है। क्या है सरकार से आपकी मांग? सरकार से यही मांग है प्रत्यक्ष में कि जो है इसका बनवा दिया जाए, तो आवागमन सुगम हो जाने, इस पे जो रास्ते में बारिश हो जाती है तो एक्सीडेंट भी होते हैं, बुजुर्ग नौजवान और ये आपके स्कूल के छात्र छात्राएं, ये सभी लोगों का आवागमन रहता है, और कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, यहाँ पे लोग परिक्रमा भी करते हैं। प्राचीन घाट के साथ साथ प्राचीन मंदिर भोलेनाथ शंकर जी का है, यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, और इसे ये मेन रास्ता है, मेन रोड है, इसमें अगर डामरीकरण हो गया होता तो जो एक्सीडेंट होते इससे समाधान हो जाता। और कई चीज़ें इसी तरह हैं कि बहन बेटी नौजवान बुजुर्ग और सबके लिए समस्या ही। हमारा नाम नरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान के पिया चित्रा ऊँचा है। इस रोड के बारे में दरअसल हमने DM साहब को ज्ञापन दिया था, तो उस ज्ञापन के दौरान मान के चले 2-3 ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लस जो है इस जैसे जो PWD के लोग हैं, जैसे उस तरह के उच्च अधिकारियों को जो हमने अप्लीकेशन दिया था, उसमें उन्होंने पहले एक बार दूसरी रिपोर्ट लगा के भेजी, एक बार दूसरी रिपोर्ट लगा के भेजी कि किसी की भूमधरी ज़मीन पड़ती है, जबकि वहाँ पे भूमधरी हमारी खुद की ज़मीन है और मैं अपनी स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। अब तक हम माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ किए हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि ये बादशाहपुर घाट का जो रास्ता है, इसमें मान के चले लाखों श्रद्धालु शमशान ले जाने के लिए, लाशों को ले जाने के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, प्लस जो है ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं।